जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एस्ट्रो सूत्रा यूट्यूब चैनल पर। ज्योतिष शास्त्र में कुछ ऐसे योगों का वर्णन आता है जो कि जब किसी व्यक्ति की कुंडली में बनते हैं तो माना जाता है कि साक्षात ईश्वर ने इस व्यक्ति को कोई वरदान दिया है। कुछ ऐसे योग जो केवल और केवल पॉजिटिव रिजल्ट ही देते हैं, नेगेटिव रिजल्ट जिनके रेयरली पाए जाते हैं। ऐसे ही एक योग के ऊपर आज की इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं। ये योग है जब किसी व्यक्ति की कुंडली में शुक्र, शनि और गुरु युति, प्रतियुति या त्रिकोण से संबंध बनाते हैं, तब इसके क्या क्या पॉजिटिव इफेक्ट्स आते हैं, तो पूरी वीडियो ध्यान से देखिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट में जय हिंद जय भारत लिखना मत भूलिएगा। बात करते हैं सबसे पहले उनके जन्म की। जब भी किसी व्यक्ति की कुंडली में योग बनेगा तो आप देखेंगे मोर देन 90% ऐसे लोगों का जन्म एक रॉयल फैमिली में होता है, बहुत ही बड़ी पढ़ी लिखी और धनाढ्य सम्मानित फैमिली में होता है, रेस्पेक्टेड फैमिली होती है। अक्सर आप देखेंगे कि इन लोगों की फैमिली में बड़े बड़े पॉलिटिशियंस मिलेंगे, डॉक्टर्स मिलेंगे, इंजीनियर्स मिलेंगे, एडवोकेट्स मिलेंगे, यानी कि ऐसे लोग मिलेंगे जो कि समाज में रेस्पेक्ट प्राप्त करने के साथ साथ एक कमांडिंग पोजिशन पर हो, जो कि लोगों को गाइड कर सके। क्योंकि ये योग ही इस तरह का है जो कि जब बनता है तो केवल नेटिव को नहीं उसकी पूरी फैमिली वगैरह को बहुत ही ज्यादा ब्लेसिंग्स देता है, क्योंकि सूर्य इसके साथ होता है। सूर्य क्या हो गया, आपका पिता हो गया, आपके पिता को ब्लेसिंग्स देता है। ऐसे लोगों के अगर आप चेहरे की बनावट देखेंगे तो बहुत ही सुंदर अक्सर पाई जाती है। इनकी नाक बड़ी सुंदर मिलेगी, इनकी थोड़ी बहुत सुंदर मिलेगी और इनके गाल भी काफी क्यूट से होंगे। रीजन क्या है, गुरु आपकी नाक का कारक है, शनि आपकी थोड़ी का कारक है, शुक्र आपके गालों का कारक है, इनका संयोग बन रहा है, यानी कि फेस के जो तीन सबसे महत्वपूर्ण पार्ट हैं वो आपस में एक दूसरे को प्रभाव दे रहे हैं और बहुत ही पॉजिटिव प्रभाव दे रहे हैं, क्योंकि ये एक दूसरे से सम ग्रह हैं। शनि और शुक्र बहुत अच्छे मित्र हैं, गुरु और शनि एक दूसरे के समय नारी ज्योतिष तो कहती है कि मित्र ही हैं। गुरु और शुक्र एक दूसरे के सिद्धांतिक रूप से शत्रु कहे जाते हैं, किंतु बहुत जगह एक दूसरे को बहुत ज्यादा फायदा देते हैं, तो इसलिए फेस स्ट्रक्चर की अगर बात करें तो किसी तरह का कोई नुकसान नहीं देते। अगर आप ऐसी लेडीज की बात करें जिनकी कुंडली में योग बनता है तो ऐसी लड़कियां आपको बहुत ही ज्यादा पढ़ी लिखी और मल्टी टैलेंटेड मिलेंगी और जॉब ओरिएंटेड, वर्क ओरिएंटेड अक्सर ऐसी लड़कियां मिलती हैं। इनका इंटरेस्ट होता है कि ये जॉब करें, वर्क करें और पैसा कमाएं। आप देखेंगे ऐसी लड़कियां अक्सर किसी कमांडिंग पोजिशन पर होती है, मैनेजमेंट पोजिशन पर होती है, टीचिंग पोजिशन पर होती है, अक्सर ये प्रोफेशन इनके देखे गए। अगर टीचिंग प्रोफेशन भी नहीं होगा तो किसी न किसी ऐसे प्रोफेशन होगी जहां ये लोगों को कमांड कर सके, उनको ऑर्डर दे सके, उनको मैनेज कर सके। और एक और खासियत आप देखेंगे कि ऐसी लड़कियों को अपने पिता के घर और अपनी ससुराल दोनों में ही बहुत ज्यादा सम्मान मिलता है। अपने ससुराल में तो जाकर इनको इतना सम्मान मिलता है कि बहुत ज्यादा कमांडिंग पोजिशन पर आ जाती है, इस तरह की कंडीशन पर आ जाती है कि इनकी शादी होने के कुछ समय बाद ही ससुराल का सारा तामझाम उठाकर, तालियां उठाकर इनकी सास को इनके हाथ में देती कि ले बेटी संभाल। इस तरह की कमांडिंग पोजीशन पर आ जाती है, इस तरह की कमांडिंग पोजीशन पर आ जाती है कि इनका हस्बैंड भी इनसे बिना पूछे कुछ नहीं कर सकता। तो ये इस योग के बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव रिजल्ट मिलते हैं। आप देखेंगे ऐसी लड़कियों के पास बहुत ही ज्यादा मात्रा में ज्वेलरी आपको मिलेगी। ज्वेलरी को इकट्ठा करना, पैसे को इकट्ठा करके रखना इन लड़कियों का शौक होता है। मेल चार्ट की अगर बात करें तो मेल चार्ट में भी जिनके चार्ट में योग बनता है वो लोग बहुत ही ज्यादा रेस्पेक्टेड होते हैं, बहुत ज्यादा पढ़े लिखे होते हैं, क्योंकि गुरु और शुक्र का प्रभाव संयुक्त रूप से आ रहा है। आप यहां देखिएगा दो योग एक साथ बन रहा है, गुरु और शुक्र का योग बन रहा है जो कि अपने आप में बहुत ही हाई लेवल की नॉलेज को, बहुत ही हाई लेवल के ज्ञान को शो करता है। गुरु और शनि का योग बन रहा है जो कि कर्म धर्म योग है। इन दोनों योगों की सेपरेटली मैंने व्याख्या अपने चैनल पे की है, आप देख सकते हैं। तो जब इस तरह के योग बनते हैं तो ये अपने आप में बहुत ही ज्यादा रेस्पेक्ट वगैरह को शो करते हैं। आप देखेंगे ऐसे लड़के अधिकांश थे, जैसे कि मैंने आपको बताया, सीए मिलेंगे, एडवोकेट मिलेंगे, पॉलिटिक्स में बहुत ज्यादा एक्टिव मिलेंगे। और पॉलिटिक्स में अगर एक्टिव भी ना हो तो 45 की एज के आसपास आप देखेंगे इन लोगों को, 45 और 60 की एज के आसपास इन लोगों को पॉलिटिक्स में या समाज में बहुत ही बड़ा स्टेटस प्राप्त होता है। शादी की अगर बात करें, फीमेल चार्ट में अक्सर देखा गया है कि 24 की एज के, 23 और 24 की एज के आसपास इनकी शादी हो जाती है, किंतु मेल चार्ट में कई बार देखा गया कि डिले हो जाती है, 30 साल के आसपास ही इनकी शादी होती है। और शादी के बाद मेल चार्ट में तो आप देखेंगे कि ऐसे लड़कों की बहुत ही ज्यादा तरक्की होती है। इनकी वाइफ इनका लक्की चार्म होती है, हालांकि वाइफ इनको कंट्रोल करके रखती है, एक बॉस नेचर की इनकी वाइफ होती है, इनकी वाइफ के आगे इनकी नहीं चलती, मगर इनकी वाइफ इनका एक लक्की चार्म होती है कि शादी हुई, आप देखेंगे इधर शादी हुई और इधर इनकी तरक्की होनी शुरू हुई। 30 साल की एज के बाद जब इनकी शादी होती है
तो बहुत ही तेजी से इनकी तरक्की होती है, बहुत ही तेजी से इनके पास नेम फेम आता है। और शादी के बाद ऐसा भी देखा गया है कि अगर कोई दुर्योग यहां पर नहीं आ रहा है, किसी खराब भाव में योग नहीं बना, तो शादी के तुरंत बाद कुछ समय बाद ही आप देखेंगे ये लोग अपना मकान खरीद लेते हैं, अपनी गाड़ी खरीद लेते हैं। आप देखेंगे जब किसी मेल या फीमेल चार्ट में योग बनता है तो ऐसे लोगों की फैमिली में, जैसा कि मैंने आपको बताया, डॉक्टर इंजीनियर तो मिलेंगे मिलेंगे, मगर इनकी एक संतान, स्पेशली एक पुत्री इनकी, बहुत ही ज्यादा समाज में रेस्पेक्ट गेन करती है। और वो इतनी ज्यादा रेस्पेक्ट गेन करती है कि उस बेटी की वजह से इन लोगों का नाम आगे चलता है। पुत्र पर भी कई बार अच्छे प्रभाव देखे गए हैं, मगर उसके लिए सूर्य की अपनी पावर प्लेसमेंट देखना पड़ेगा, मगर पुत्री का तो मैं आपसे कह सकता हूं। उसके बाद आप देखेंगे जब किसी नेटिव की कुंडली में ये योग बनेगा तो ऐसे लोगों को अपनी फैमिली में थोड़ा प्रॉब्लम आती है, अपने जैसे कि पिता का जो धन वगैरह होता है उसके बंटवारे में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आती है। इन लोगों को अपने पिता का धन प्रॉपरली कई बार नहीं मिल पाता, भाई वगैरह के डिस्प्यूट में कई बार फंस जाता है। इस तरह की कंडीशन देखी गई तो आप इसको एक नेगेटिव इफेक्ट समझ सकते हैं इसका। और थोड़ी फिजिकली अगर देखें तो नर्वस डिएबिलिटी जैसी, यानी कि एकदम से कभी चक्कर आ जाने, ब्लड प्रेशर वगैरह डाउन हो जाना, शुगर जैसी समस्या होना, इस तरह की समस्या अक्सर देखी गई। कहीं ना कहीं इम्यून सिस्टम थोड़ा सा कमजोर इन लोगों का देखा गया है, मगर इंटेलेक्चुअली ये बहुत ज्यादा एक्टिव होते हैं, गॉड ब्लेस्ड होते हैं, तो इसलिए सारी चीजों को बहुत अच्छे से कवर कर लेते हैं। और इसी वजह से इन लोगों की एज भी काफी अच्छी होती है। जनरली ये देखा गया है कि ये लोग 70 प्लस की एज तक जाते ही जाते हैं। और एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, जब भी किसी मेल या फीमेल चार्ट में योग मिलेगा, आप देखेंगे 15 से 18 की एज में इनकी इनकम स्टार्ट हो जाएगी। 15 से 18 की एज में ही ये लोग कमाना शुरू कर देते हैं, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो। हद से हद 20 की एज तक इन लोगों को भटकना नहीं पड़ता कि भाई मुझे जॉब नहीं मिल रही, मुझे अच्छी सैलरी नहीं मिल रही। बहुत अच्छी सैलरी इन लोगों को मिलती है, स्टार्टिंग पीरियड में हो सकता है कि कम, मगर एक टाइम बाद बहुत अच्छी इनकी सैलरी आती है, क्योंकि धन योग तो यहाँ पर प्रॉपरली बन रहा है शनि और शुक्र का। और जब मैंने आपको पहले ही बताया, जब शनि और शुक्र के धन योग पर गुरु की ब्लेसिंग्स आ जाती है, तो वहां पर बहुत ही तेजी से ऐसे लोगों को सफलता मिलती है। आप तो ये कह सकते हैं कि ये एक सक्सेस का योग है, द की ऑफ सक्सेस। किसी चार्ट में अगर आपको देखनी है तो ये योग देखिएगा, अगर ये योग है तो ऐसे व्यक्ति को असफलता अपनी लाइफ में कभी मिलती ही नहीं। और डिग्रीज वाइज अगर आप देखेंगे, शनि से अगर ज्यादा डिग्री का गुरु बैठा है तो डेफिनेटली ऐसे लोगों को बहुत ही बड़ी सफलता मिलेगी। किसी भी बड़े सेलिब्रिटी का या बहुत सक्सेसफुल आदमी का चार्ट उठाकर आप देख लेंगे, उसके चार्ट में शनि के ऊपर गुरु और शुक्र का संयुक्त प्रभाव होगा ही होगा, क्योंकि शनि को जब तक गुरु और शुक्र की ताकत नहीं मिलेगी, एक हो गया धन और एक हो गया ज्ञान, जब तक शनि को गुरु और शुक्र की ताकत नहीं मिलेगी तब तक कोई व्यक्ति प्रोफेशनल हाइट प्राप्त कर ही नहीं सकता। और ये योग है जो कि किसी व्यक्ति को प्रोफेशनल हाइट दिला ही देता है। और बहुत सारे अनगिनत इस योग के पॉजिटिव इफेक्ट्स हैं, जो कि आने वाली वीडियोस में अलग अलग चार्ट्स के माध्यम से मैं आपके साथ शेयर करता रहूंगा। तो जुड़े रहिए एस्ट्रो सूर्य के साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले जय हिंद जय भारत।